रायसेन की पटना स्थित भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक किसान की ऊपर रेकी कर रहे संदिग्ध युवक ने किरमिच डालकर 2 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गया। किसान ने पलट कर देखा तो संदिग्ध युवक किसान का बैग लेकर भाग चुका था। किसान कोतवाली थाने पहुंचा और उसने घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची रायसेन SP मोनिका शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा, SDOP अदिति भावसार और थाना प्रभारी जगदीश सिंह सिद्धू के साथ मौके पर पहुंची और किसान से उसके साथ हुए घटनाक्रम को जाना। वहीं जब संदिग्ध युवक किसान का बैग लेकर फरार हुआ तो करीब 1 किलोमीटर आगे जागरूक किसान थान सिंह धाकर ने देखा संदिग्ध युवक दौड़ लगाकर भाग रहा है। उनको मामला संदिग्ध नजर आया, उन्होंने संदिग्ध युवक का पीछा किया और उसको पकड़ा तो युवक किसान धान सिंह धाकड़ के हाथों में से पैसों का बैग छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद किसान थान सिंह धाकड़ उक्त बैग लेकर थाने पहुंचा और उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया। वहीं घटना के 1 घंटे के अंदर ही गुदाबल के किसान हकम सिंह के पूरे 2 लाख रुपए वापस मिल गए। अब पुलिस CCTV देखकर संदिग्ध युवक की तलाश कर रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा ने बताया संदिग्ध युवक की तलाश जारी है। वहीं गुदाबल के किसान हकम सिंह के पूरे पैसे सुरक्षित मिल गए हैं और युवक को पकड़ने की कोशिश करने वाले किसान के पैसे सुरक्षित बचाने वाले युवक किसान थान सिंह धाकड़ को आगामी 3 मार्च को पुलिस द्वारा सम्मानित किया जाएगा। वहीं थान सिंह धाकड़ ने बताया शक होने पर मेरे द्वारा युवक का पीछा किया और रोकने पर वह पैसों से भरा बैग छोड़कर भाग गया जिसे मैंने थाने में जाकर जमा कराया। गोदावल का मैं रहने वाला हूँ और KCC जमा करने में आया था तो बैंक ऑफ इंडिया से मैंने 47,000 रुपये 1.5 लाख घर से लेके आया था। वो आने 2 लाख मैंने जेब से मिल 2,000 जेब से मिला, 1,99,000 रुपये बैग में रखे थे। वो पास आने मेरी दोनों पासबुक रखी थी बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक की, वहाँ भाई रखी थी दो, आधार कार्ड रखो तो अरे वो झोला जहाँ रखा था मैं करवच लगा दी उसने स्टेट बैंक में म्यूजिक से तो खुदा चलने लगी, मैं धोने लगा जहाँ पर गाड़ी पर झोला धार कर इतनी लेकर भग गया। कितने लोग थे क्या लोग? तो कोई नहीं, वो लड़का टाड़ा था ले जाई बैंक इस बा में बैंक ऑफ इंडिया में भी था। वो गार्ड मार्ड नहीं था जहाँ कहाँ की गार्ड है कि गेट पर कहाँ की गार्ड है, गेट की बात है। हाकम सिंह रघुवंशी तो क्या देखा? जी घटनाक्रम क्या है कि प्रकाश पटेल की दुकान पे मैं और कैलाश मास साहब और प्रकाश पटेल तीनों बैठे थे तो ऐसी बातचीत चल रही थी तो वो लड़का क्या दुकान के सामने से दौड़ लगाते हुए निकला तो मैंने इनसे कहा कि पटेल साहब यार ये तो कुछ मुझे संदिग्ध लग रहा है, ये लड़का कुछ लेकर भग रहा है। तो इनने कहा मेरे से कि जा यार उसको देख जरा क्या आएगा। तो मैंने बाइक लेकर पीछे पड़ा उसके तो सरज डेंटल क्लिनिक के सामने उसको मैंने पकड़ लिया, उसका पकड़ा तो वो उससे इधर से निकाल लिया उसको इधर बल लिया तो सट के अंदर पकड़ा तो उस खोल के देखा मैंने ऐसे इतने में वो छू है मग गया। कितनी उम्र होगी लड़के की? क्या लड़के की उम्र है? 11-12 साल की उम्र है। कितने पैसे बरामद क्या करा पता? उसमें पैसे मैंने देखे नहीं है, वो तो लाके थाने में मैंने दे दिए जो कि तो जो भी जो कागज वगैरह जो भी थे कुछ नहीं देखा मैंने। ऊपर से टटोल के देखे तो उसमें क्या है मोटी मोटी गड्डियाँ दिख रही थी तो इनको पटेल साहब को बताया साहब मैंने कि इसमें जे हैगा तो जे बोले कि चलो अपन थाने ले चलते हैं थाने में जमा कर देते हैं। तो हम थाने आ गए यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम थान सिंह धाकड़ है। क्या करते हैं आप? मैं कृषि करता हूँ। आप भी किसान हैं? मैं भी किसान हूँ। नमस्कार, हैं हाकिम सिंह रघुवंशी जो अपनी KCC की राशि जमा करने के लिए SBI के सामने आए थे। करीब 15 साल का एक युवक, उन्होंने कुछ मुंह में बिस्किट लेके और उनके कपड़ों पे डाल दिया जिससे उनको ये लगा कि शायद उनके कपड़े गंदे हो गए हैं। उन्होंने बैग को साइड में रखे और जैसे ही धोने का प्रयास किया इसी बीच में वो 15 साल का युवक बैग लेके यहाँ से फरार हो गया था। तत्काल पुलिस ने सूचना पाके और नाकेबंदी की। इसी बीच में एक और सज्जन जो थान सिंह धाकड़ रायसेन के रहने वाले हैं उन्होंने उस बालक को भागते हुए संदिग्ध अवस्था में देखा तो उन्हें लगा कि शायद कोई घटना करके ये फरार हुआ है। उन्होंने उसको टोका और उसको पीछा करके पकड़ने का प्रयास किया तो 15 साल के संदिग्ध युवक ने बैग को फेंका और इसके बाद उसने दौड़ लगा दी। बैग में लगभग 2 लाख रुपए मौजूद है, पूरी राशि सुरक्षित है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने ये तय किया है कि 3 तारीख को थान सिंह धाकड़ को सम्मानित किया जाएगा, उसको कैश रिवार्ड भी दिया जाएगा
और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। सर क्या युवक जो संदिग्ध युवक था जो लेके भगा था पैसे, उसकी कोई पहचान हो पाई? अभी जो हुलिया बताया उस आधार पर संदिग्धों को दस्तयाब करने का प्रयास किया जा रहा है। जिले में पूर्व में भी इस तरह की एक दो घटनाएं हुई है जिनमें कुछ लोग पकड़े भी गए थे, तो उनके फोटो भी बुलाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि शीघ्र ही इसको हिरासत में ले लिया जाएगा।